मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, रजिस्टर्ड हो आप लेकिन आपको अपना पासवर्ड ITR का पासवर्ड याद नहीं है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जाना है, यहाँ आपको पैन नंबर देना है, ठीक है? पैन नंबर डाल के यूजर आईडी आपका कंफर्म हो जाएगा। अब ये डेस्कटॉप खुलता है आपका, ये स्क्रीन में। अब आप पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाओगे सबसे पहले, ठीक है? अब इसमें आपको यूजर आईडी वही है जो आपका पैन कार्ड नंबर है, वही डालना होता है। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये सबसे इजी ऑप्शन है, ठीक है? अगर आपके पास आधार नंबर वाला OTP, अगर मोबाइल नंबर आपके पास है तो OTP के माध्यम से आप इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है, यूज ई फाइलिंग OTP, ये जब आप क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड इन अ टेक्स्ट मैसेज टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। जो भी आपका कंसर्न अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें जाएगा, एंड जो ईमेल रजिस्टर होगा उसमें भी जाएगा, दोनों में जाना है। एक तो OTP के माध्यम से चेंज हो जाएगा आधार वाली OTP से, अगर वो आपके पास पॉसिबल नहीं है, वो आपको नहीं मिल रहा तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जो यूज ई फाइलिंग OTP वाला ऑप्शन है, ये बहुत ही कारगर है। इसमें आपको शो कर रहा है कि किस मोबाइल नंबर पे, जो पहले आपके पास रजिस्टर रहा हो, और ईमेल आईडी भी, किस मोबाइल और किस मेल पे आपका OTP जाएगी। देखो आप कंटिन्यू करते हैं, देखिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है? आप इसमें डेट ऑफ बर्थ ले लिया आपने, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, देखिए डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होने के बाद आपके पास जो यूजर आईडी है पैन कार्ड से, आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल में भी और ईमेल में, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे ये डालोगे OTP, तो मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, ठीक है? मोबाइल का डाल दिया, अब हम ईमेल का देखते हैं। इसी कारण से ईमेल में OTP अभी आ नहीं पा रहा है, लेकिन प्रोसीजर इज द सेम। आप इसमें जैसे ही OTP डालोगे, वेरीफाई करोगे, आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आप उसमें न्यू पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो डाल के, कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डाल के आप उसे कहीं नोट कर लें और आपका वो पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। आप उसके बाद आराम से ITR लॉग इन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कैसे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके रिगार्डिंग और कोई आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, उनको कुछ हेल्प हो जाए इस वजह से। और यूजफुल लगा हो या इस चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।